खबर, महाराष्ट्र प्रदेश के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के तीसरी बार सीएम का लिए शपथ, जिसमें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी रहे उपस्थित। सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेते ही कलवापुर में भाजपा के नेता दीनानाथ पांडे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े हर्षों और उल्लास के साथ निकाला पद यात्रा, जिसमें जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए भास्कर नगर शिव मंदिर से शुरुआत की गई। पवन पाड़ा भाजपा कार्यालय शिव शक्ति नगर होते हुए गोलाई नगर में यह पदयात्रा संपन्न हुआ। एडवोकेट दीनानाथ पांडे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को बधाई देते हुए सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किए और धन्यवाद दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पुरोहिया, न्यूज़ महाराष्ट्र प्रदेश। मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। धीरपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता आज हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नेता और इतने शिखर पर पहुंचा हो तो एकमात्र पूरे महाराष्ट्र के चाणक्य के माने जाते हैं खूबसूरत प्यारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी शुरुआत पार्षद से शुरू की, बाद में वो मेयर भी बने, आमदार बने और इस प्रदेश की अध्यक्षता भी उन्होंने की और उसके बाद तीन बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव उनको प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक व्यक्तित्व है कि ऊंचाई और शीर्ष पर बैठने के बाद भी वो उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी को विरोधियों के जितने भी चाणक्य है उनको परास्त कर इस पूरे महाराष्ट्र के महाचाणक्य हमारे देवेंद्र फडणवीस जी बने। इसलिए हम लोगों ने हमारे प्रभाग 25 में शांति नगर, पौनपाड़ा, भास्कर नगर और आतकोनेश्वर नगर, गोलाई नगर, इंदिरा नगर, शिव शक्ति नगर, इन सारे प्रभाग के जितने भी एरिया है उनको हमने कवर किया और इस यात्रा का नाम हमने रखा फडणवीस सरकार सुशासन पद यात्रा। और उसी के साथ हमने मिष्ठान कार्यक्रम भी रखा। यहाँ पे हमने 1000 किलो लड्डू यहाँ के पूर्ण प्रभाग में बांटे और ढोल ताशों के साथ वहाँ मुख्यमंत्री जी आजाद मैदान में शपथ ले रहे थे और यहाँ हम प्रभाग 25 के जो नागरिक हैं, जो उनको चाहते हैं, उनके साथ मिलकर इस खुशी को हम बांट रहे थे। और हम चाहते हैं कि कलवा पूर्व में भी यहाँ पर भाजपा का कमल खिले और गरीबों तक न्याय की जो पुकार है इतने सालों की, उस कुशासन को दूर कर हम गरीबों तक पहुंचे और उनको न्याय दिलाने में यहाँ पे हम लोग मदद कर सके, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रविंद्र जी हमारे बहुत ही काबिल और महाराष्ट्र के बहुत ही नामचीन नेता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और आज इतने शिखर तक पहुंचे हुए नेता हैं। उन्होंने हमने देखा जो पिछला टेन्योर था उसमें वो उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, उसके पहले वो मुख्यमंत्री के पद पर थे। ऐसा वही नेता कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। इस बार जब वो सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी हमको बहुत ज्यादा खुशी है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी, थाने में संजय केलकर जी, उसी तरह हम सभी चाहते हैं कि कलवा पूर्व में दीनानाथ पांडे जी आए।